हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका किचन आर्ट में। तो आज हम बनाने वाले हैं शरद पूर्णिमा स्पेशल चावल की खीर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लो मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करेंगे और इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच घी। और घी के मेल्ट होते ही हम इसमें चावल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटा चावल यूज़ किया, इसे धोकर सुखाया है और इसे तब तक हम रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। और इसे चलाते हुए ही पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में इसका कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन हो गया है। बस इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करेंगे और दूध को उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे लगभग मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो इसे अच्छा सा उबाल आने तक हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। और जब तक चावल ठंडा हो गया है तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो ग्राइंड करने के बाद जो ग्राइंड किया हुआ चावल है उसे हम दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो ध्यान रहे हमें चलाते हुए ही खीर को पकाना है, नहीं तो चावल जो है वो नीचे लग जाएगा। इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, लगभग 1 कप। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी चीनी और ऐड कर सकते हैं। और इसे चलाते हुए हमें लगभग 10 से 15 मिनट और पकाना है ताकि खीर अच्छे से उबल जाए, चावल अच्छे से पक जाए। तब तक हमें खीर को पकाना है। तो चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि खीर बहुत अच्छे तरीके से उबल रही है और थोड़ी सी गाढ़ी होना भी शुरू हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। आपकी चॉइस से आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध मसाला। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता है आपको तो आप केसर डाल सकते हैं और इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, तो भी खीर बहुत टेस्टी लगेगी। तो लगभग 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर दूध मसाला डाला है। मुझे इससे ज़्यादा गाढ़ी खीर नहीं चाहिए, इसलिए मैं गैस का फ्लेम यहीं पर बंद कर दूंगी। तो हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।